इस घर के बड़े बेटे होने के रिश्ते से है यहाँ ये। वीर बेटे, बेटे राजेश्वरी सही कह रही है, हमसे गलती हुई है ना बेटे, तो भुगतना भी हमें ही पड़ेगा ना। कम से कम आपको अपनी गलतियों का एहसास तो है। यहाँ पिछले 28 सालों से गलतियां पर गलतियां होती जा रही है और चेहरे पर हल्की सी शिकन तक नहीं है। वीर बेटे, बहुरानी के पास जाइए, उसका ख्याल रखिए, शी नीड्स यू। रानी, आप कमरे में हैं? रानी, रानी कहाँ हैं आप? रानी, ये सब क्या है? अब कहा है कि शहरी स्टाइल में आपका हैप्पी बर्थडे मना चुके हैं, कहाँ कहाँ से मेहमान आए, केक काटे इत्यादि, लेकिन जब आपका कनेक्शन गांव वाला बन चुका है तो बलिया स्टाइल में भी बर्थडे मनाना चाहिए कि नहीं? वो सब ठीक है, लेकिन आपके सर पे चोट लगी है, ये सब तैयारी क्यों कर रही हैं आप? आपको रेस्ट करना चाहिए। देखिए रानी, वो कांच का टुकड़ा जहाँ से भी आया ना, मुझे आप डॉक्टर साहब बताए तो सही, वो तोहफा गिरा दिए तो। अगर तोहफा गिरता ना तो चोट आपके पैर पे लगती, सर पे नहीं। सच बताइए क्या हुआ था? अरे रानी, इस बार ऐसे स्माइल करके इग्नोर नहीं कर सकती बात को आप। सच सच बताइए क्या हुआ था? देखिए जब तक आप बताएंगी नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। और नहीं तो का, जब तक आंखों से आंसू नहीं टपकता, कान से धुआं नहीं निकलता तो काहे का पानी पूरी। आप भी ना डॉक्टर साहब, हमारी चिंता करना बंद कर दीजिए। का हुआ, कैसे हुआ, काहे हुआ, अरे जो हुआ सो हुआ, इतना सारा तैयारी किए है, इंतजाम किए है, जरा उसका मजा। हाँ बुड़बक, इस सब में तो आपको तोहफे के बारे में बताना ही भूल गए हम। तोहफा? कैसा तोहफा? तो हमने और देवर जी ने सारे कागजी कार्रवाई कर दिए हैं और कल आपको आपका डॉक्टरी वाला लाइसेंस मिल जाएगा। कल से आप अपनी डॉक्टरी शुरू कर सकते हैं डॉक्टर साहब। सच? यानी आपने और विक्रम ने सब कैसे? यानी थैंक यू। अरे थैंक यू सो मच। आप हमें थैंक यू मत बोलिए, माता रानी को थैंक यू बोलिए, सब उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। अभी सब छोड़िए और खुश हो जाइए, आज आपका जन्मदिन है, मजा उठाइए जरा। जन्मदिन मेरा है लेकिन सारी चीजें आपकी पसंद की हैं। ये पानी पूरी, चाट, समोसा, लिट्टी चौखा, इसका क्या कहेंगे आप? आप ही तो हमारे पसंद के हैं।
राजमाता, आप हर साल दिग्विजय के जन्मदिन पर उनके लिए खीर बनाती हैं ना, तो हमने भी फैसला किया है कि हम वीर के लिए आज खीर बनाएंगे, क्योंकि उसका जन्मदिन है। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? वो हमारे हाथ से बनी हुई खीर खाएगा नहीं। राजमाता, आप वो उसे खीर खिला दीजिएगा और बोलिएगा कि वो आपने बनाई है। राजेश्वरी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, और आप ज्यादा मत सोचिए। खीर आप ही बनाएंगी और खिलाएंगी भी आप ही। हमें यकीन है कि वो आपको मना नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, सब कुछ एकदम खास बनना चाहिए, ठीक है? जी बहू रानी। चलो कुछ। रानी साहब, यहाँ रसोई घर में? इस घर में दूध है या नहीं? जी रानी सा, ये रहा दूध। चावल? जी। चीनी, किशमिश, बाकी के ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, तो रानी सा कछु मीठा बनाना चाहती है। तुम सब जाओ यहाँ से, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। करछी किधर है? रानी साहब, स्ट्रेस आइए नहीं, डॉक्टर साहब को आपके हाथ की बनी हुई खीर बहुत अच्छी लगेगी। इतने सालों से इसी प्यार को तो तरस रहे हैं वो। एक तो बात बताए, आप ऐसी रूठी हुई खीर बनाती हुई बड़ी ही कूट लग रही है। जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। हाँ जाते हैं। अब वैसे भी वो डॉक्टर साहब के लाइसेंस के बारे में बात करना है कमेटी वालों से। अब हम उकर के आते हैं, आप कीजिए। अब और किसी चीज की जरूरत पड़ी तो शांति काकी को आवाज लगा दीजिएगा, बाकी सब भी आ जाएंगे मदद करने। सर प्लीज, सर ये क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर वीर, आप लड़खड़ा क्यों रहे? क्या आप नशे में है? अरे आपका तो लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। वीर का टेस्ट किया जाएगा। पहले हम वीर के लाइसेंस की अपडेट लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। वीर हम बाद में आकर बना लेंगे। और कितना वक्त लगेगा सर? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। सर टेक्निकल काम है, लाइसेंस मिलने में टाइम तो लगता ही है। पर आप ही ने तो कहा था ना कि आज मिल जाएगा। देखिए, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बड़े ऑफिसर्स के अप्रूवल पेंडिंग है, इसीलिए टाइम लग रहा है। पेशेंस रखिए प्लीज। ठीक है, पर जल्दी कीजिएगा प्लीज। कोई बात नहीं, मना थोड़ी किए है, बस थोड़ा सा टाइम मांगे। आज नहीं तो कल हो जाएगा। परेशान मत हो वीर, हमारा लाइसेंस तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। लाइसेंस वापस मिलने में वक्त तो लगेगा ही, किसी ने इतनी मेहनत से कैंसिल जो करवाया था। हमारी वजह से वीर का लाइसेंस छिना है, अब हम ही उसे वापस दिलवाएंगे, चाहे जो कीमत देनी पड़े। एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है हमारे बेटे के लिए ऑफिसर,
आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आज के आज हमें लाइसेंस चाहिए। आज हमारे बेटे का जन्मदिन है और आज के दिन हम उसे दुखी नहीं देख सकते। क्यों शर्मिंदा कर रही है रानी साहब? आप किसी को भेज दीजिए, मैं लाइसेंस दे दूंगा। नहीं नहीं, हम खुद आएंगे उसका लाइसेंस लेने। जी ये भी ठीक है। वीर का लाइसेंस वापस देकर हम अपनी एक गलती तो सुधार ले, शायद वो खुश हो जाए हमसे। अरे रानी साहब आप यहाँ? वो हमने वीर के लाइसेंस के लिए आपसे बात की थी, बस वही लेने आए हैं। लाइसेंस तो कोई ऑलरेडी लेकर चला गया है। क्या? मुझे लगा आप ही ने भेजा है, तो मैंने दे दिया। कौन आया था? लेट मी चेक। रणविजय राजावत। और आईडी पर राजावत लिखा था, तो मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। वेल, इतने साल कोमा में रहने के बाद हम आज यहां आपके सामने बैठकर आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो सिर्फ डॉक्टर वीर की वजह से। जी, इनकी ट्रीटमेंट की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है, और ये बात सिर्फ हम नहीं, मेडिकल बोर्ड भी मानता है। और साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड ने ये एक्सेप्ट किया है कि जिन रीजंस के वजह से डॉक्टर वीर का लाइसेंस कैंसिल हुआ था, उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू ऑल कि मेडिकल बोर्ड ने इज्जत के साथ डॉक्टर वीर का लाइसेंस उन्हें वापस लौटा दिया है। अब ये बहुत जल्द अपनी ड्यूटी रिज्यूम करेंगे और मुझ जैसे कई जरूरतमंदों की जान बचाएंगे। और ये ऐसा करेंगे क्यों नहीं, आखिर ये बेटे किसके हैं? रानी साके, आखिर उन्हीं के परवरिश से तो इतने ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं डॉक्टर साहब। आज आपने बात को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया बहुरानी। रणविजय वीर के पिताजी है, अगर ये बात मीडिया वालों के सामने बाहर आ जाती ना, तो कैसे समझाते हम इन सब लोगों को? मासा, I'm sorry मासा, हमसे वो अपने बेटे को लाइसेंस देने की खुशी में हम बहुत भावुक हो गए थे, इसीलिए शायद ज्यादा बोल गए।
अरे अरे राजेश्वरी, आपकी खीर की तैयारियां कैसे चल रही है? आज आप खीर बनाने वाली थी ना वीर के लिए। चलिए आज हम वीर का मुंह मीठा खीर से ही करवाएंगे। जी बस बनने ही वाली है। कोई जरूरत नहीं है रानी साहब। मेरे लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं खुशी का मौका है, घर में खीर तो जरूर बननी चाहिए। हाँ दिग्विजय, बहुरानी आप खीर बनाएंगी बेटे प्लीज? हम? जी। हम कैसे बनाए? वो रानी सा ने सारा इंतजाम किया है, वो बनाना चाहती थी डॉक्टर साहब के लिए खीर तो। देखिए सही मायने में हक तो आपका ही बनता है। आज जो भी इस घर में अच्छा हो रहा है वो सब आपकी ही बदौलत है। देखिए ना, वीर को घर छोड़कर जाने से आपने रोका, उसे लाइसेंस वापस मिला आपकी बदौलत, तो खीर भी आपको ही बनानी चाहिए। हाँ? बनाएंगे आप? ठीक है जी। चावल, चीनी, किशमिश, बाकी के ड्राई फ्रूट्स। इतने प्यार से रानी सा डॉक्टर साहब के लिए खीर बना रही थी, किंतु उनके गुस्से ने सब खराब कर दिया। कोई नहीं, हम भी उन्हीं के स्टाइल से बनाएंगे और डॉक्टर साहब को बताएंगे भी कि ई भौकाल स्वाद रानी सा के तरीके का कमाल है। अभी जाके उनसे पूरा खीर का गणित समझ कर आते हैं। रानीसा कहाँ चली गई? जगह ढूंढ लिए, कहाँ रह गई रानीसा? लगता है खीर हमें ही बनानी होगी। हे माता रानी, हमारी नैया पार लगा दो। पूर्वक बिना चावल के कैसे खीर बनाए हम? दादी अम्मा बार बार हमसे कही थी कि खाना बनाना सीख ले, एक भी नहीं सुनी उनकी हमने। अब याद आ रही है हमें।